भारत का मुसलमान मजबूरी से नहीं बल्कि मजबूती से भारत में रह रहा है और उसके सामाजिक, संवैधानिक, धार्मिक सभी अधिकार पूरी तरह से मजबूती के साथ सुरक्षित हैं, जिस तरह से और समाज के हिस्सों के हैं। अनफॉर्चुनेटली भय और भ्रम का भूत खड़ा करके कुछ लोग जो है वो एक इतने बड़े समाज को देश की मुख्य धारा से काटने का, अलग करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो समाज के सभी हिस्सों को देश की तरक्की की धारा, देश की मजबूत धारा में जोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग देश की धारा से अलग करने की साजिश के षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ये जो बकवास ब्रिगेड है, इस बकवास ब्रिगेड का बोगस बैशिंग बाजार, इस बकवास ब्रिगेड का बोगस बैशिंग बाजार बंद होने वाला है। उन्हें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सच की जीत होगी और झूठ पूरी तरह से डिमोलिश होगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग सत्यमेव जयते पर यकीन नहीं करते बल्कि झूठमेव जयते पर यकीन करते हैं। नागरिकता बिल की बात जहां तक है, नागरिकता कानून की बात, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में नागरिकता कानून बिल आया और बिल आने के बाद वो कानून का रूप उसने लिया, और ये पार्लियामेंट में भी कहा गया, पार्लियामेंट के बाहर भी क्या कहा गया कि ये भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, ये उन तीन देशों के नागरिकों के लिए नागरिकता कानून है जहां पर वहां के अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है उनका, जहां वहां के अल्पसंख्यक अपमान झेल रहे हैं, उस अपमान को हम सम्मान देना चाहते हैं और उस सम्मान देने के लिए ये कानून बना है। अब उन्होंने कहा कि साहब मुसलमानों का नाम क्यों नहीं डाला, पहली बात तो ये क्या है, ना पाकिस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक है, ना बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है और ना अफगानिस्तान में, फिर भी जो नागरिकता एक्ट 1955 है उसके तहत कोई भी विदेशी नागरिक कभी भी भारत की नागरिकता ले सकता है, वो बंद नहीं हुआ है। ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट अलग है, अमेंडमेंट तो केवल उन तीन देशों के अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन जो ओरिजिनल नागरिकता एक्ट 1955 है उसमें जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए, वो विदेश के नागरिकों के लिए जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, उनको नागरिकता दी जा सकती है। उसमें लगभग 500 से ज्यादा भारतीय मुसलमानों ने भारतीय नागरिकता ली इन 5 सालों में 6 सालों में, तो वो तो क्रम चलता ही रहेगा, वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन ये एक विशेष प्रक्रिया है। ये उसी तरह से है जिस तरह से एक बार परिस्थितियां बनी तो श्रीलंका में तमिल भाइयों के साथ कुछ अन्याय हो रहा था, जुल्म हो रहा था, तो उनको भारतीय नागरिकता दी गई। कनाडा में जो है भारतीयों के साथ एक अन्याय अत्याचार हो रहा था, उस समय जो है वो सरकार ने उनको भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की। समय समय पर मानवीय आधार पर भारत, क्योंकि मानवता का समुद्र कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि भारत मानवता का समुद्र है, तो इस मानवता के समुद्र से मानवता की अलग जगनी चाहिए और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत साफ तरीके से कहना चाहते हैं कि हम देश के सभी समाज के हिस्सों के सामाजिक, संवैधानिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी सरोकार मजबूती के साथ उसके प्रति हम जिम्मेदार हैं और वो मजबूती से समाज का सभी हिस्सा प्रगति की धारा में शामिल हो सके, ये हमारा प्रयास भी है, ये हमारी कोशिश भी है और इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं।
क्योंकि पिछले अगर आप 5.5 सालों में देखें तो हर कोशिश जो हमारे खास तौर से कांग्रेस या उनके साथ के जो लोग हैं विपक्ष के लोग, उनकी हर कोशिश रही कि मोदी बैशिंग करते रहो, मोदी जी के खिलाफ ये जो मोदी गाली गैंग था वो 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में कभी कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हैं, तो कभी जो है अवार्ड वापसी मार्च निकल रहा है, तो कभी जो है वो इंटॉलरेंस के अगेंस्ट, सो कॉल्ड इंटॉलरेंस के अगेंस्ट मार्च निकल रहा है। तो ये सारी की सारी कवायद ऐसा नहीं कि नई नहीं है, लेकिन इन्होंने अभी क्या किया कि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को, जो हमें आज देश के सामने जो चीज रखनी है या कहना चाहते हैं, समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के साथ ये पाप कर रहे हैं, ये गुनाह कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा ना कि ये जो बकवास ब्रिगेड का बोगस बैशिंग बाजार है, ये जो बकवास ब्रिगेड का बोगस बैशिंग बाजार है, ये पूरी तरह से एक्टिव है, सक्रिय है कि किस तरह से भय और भ्रम का भूत खड़ा करके और देश में टकराव पैदा करो, बिखराव पैदा करो। इसलिए हम पार्टी की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, हमारा बहुत स्पष्ट मत है, बहुत साफ मत है कि इस देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता पर न प्रश्न था, न प्रश्न है, न प्रश्न रहेगा। विशेष तौर से अल्पसंख्यक या मुस्लिम समाज के लोगों की जहाँ तक बात है, मुस्लिम समाज के लोगों की किसी भी कानून के तहत नागरिकता ना खतरे में थी, ना खतरे में है, ना खतरे में रहेगी। वो भारत की धरती पर उन्होंने जन्म लिया है और भारत की धरती पे ही सम्मान के साथ रहेंगे। इसीलिए हमने कहा कि भारत का मुसलमान भारत में मजबूरी में नहीं, मजबूरी के साथ नहीं, मजबूती के साथ रह रहा है। पाकिस्तान में वहां का अल्पसंख्यक मजबूरी में रह रहा है, इसलिए उसे भाग के यहाँ आना पड़ रहा है। एक भी मुसलमान ने आज तक, आजादी से लेकर आज तक, कोई बता दे कि मजबूर होकर के पाकिस्तान की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दी हो, आवेदन दिया हो। पाकिस्तान में तो हर दिन वहाँ के हिंदू, वहाँ के सिख भाई, वहाँ के और भी जो अल्पसंख्यक हैं, वो हर दिन भारत में आने के लिए आवेदन देते थे। पाकिस्तान में उनके ऊपर आतंकवाद की तलवार लटकी रहती थी, हिंदुस्तान में आके कानून का डंडा। तो उस चीज को हमें सरल करने के लिए हमने नागरिकता कानून लाया।